हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कंपोन में। आज की वीडियो हम सीखेंगे कैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के सीडी डीवीडी को डिसेबल कर सकते हैं बाहर के डेटा से प्रोटेक्ट होने के लिए या वायरस से प्रोटेक्ट होने के लिए। मैं आपको दिखा दूं, अभी हमारा जो सीडी डीवीडी है वो अभी इनेबल है। देखो, आपको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक मैसेज शो होगा, मतलब हमारी जो डिक्स है वो अनेबल है। इससे है कि अगर कोई भी बंदा हमारे इसमें कंप्यूटर हो या लैपटॉप में डीवीडी लगाता है तो वो हमारे डीवीडी लगाएगा तो बाहर का डेटा आएगा, उसमें वायरस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को मेरा बनाने का पर्पज है कि आपके बाहर के डेटा से कैसे प्रोटेक्ट हो। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसे रिप्लेस कर लेना है। अगर आपका कंप्यूटर स्लो चलता है, मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, तो आपको जाना है दिस कंप्यूटर पर। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैनेजर, मैनेजर पर आपको क्लिक करना है। ये होता है कंप्यूटर मैनेजमेंट। इसमें आप कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं या डिवाइस होते हैं सब इसी के अंदर होते हैं, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जाना है डिवाइस मैनेजमेंट, मैनेजर पर जाना है। यहाँ पर आपको ये कंपोनेंट दिखाई देगा जो आपके कंप्यूटर या पीसी में लगे हुए हैं। जैसे मैं दिखा दूँ, हमारे पास ये रहा है सी डी डी वी डी राइटर होम, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी सी डी डी वी डी होगा उसका नाम आएगा, जो कि हमारे में स्लिम टाइप। तो हमारे पास ये इसमें डी वी डी राइटर लगा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है, इसे डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने से आपसे ये होगा कि जो हमारा सी डी डी वी डी राइटर है वो अब डिसेबल हो सकता है। मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मैं कंप्यूटर पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर एक आइकन आ रहा था डी वी डी राइटर का, अब वो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सी डी डी वी डी राइटर है वो डिसेबल हो सका है, हो गया है। अब मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे आप इसे अनेबल कर सकते हैं। आपको फिर से मैनेजर में जाना है, फिर आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है। आपको डिवाइस ही तो मैनेजमेंट करनी है क्योंकि एक डिवाइस है, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको डीवीडी सीडी पे रोम पे क्लिक करना है, इसे अनेबल कर देना है। अब आप देखेंगे जो आपका सीडी डीवीडी राइटर है वो अनेबल हो चुका है। अब मतलब आपको कभी ज़रूरत पड़ती है विंडो डालने की या मूवी देखने की या वीडियो कैसे देखने के लिए, तो आप इसे अनेबल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू।